इडली सांभर चटनी बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बना है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज के रेसिपी में हम लोग बनाएंगे इडली सांभर चटनी। तो यहाँ सांभर बनाने के लिए हम बैंगन ले लिए हैं, गाजर, सहजन, टमाटर, आलू, लौकी, राहड़ की दाल धो के ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, हरी मिर्च कट करके ले लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कुकर चढ़ा दिए हैं, कुकर में तेल डालते हैं। प्याज डालते हैं, हरी मिर्च, यहाँ सब्जी डालते हैं, आप अपने पसंद से सब्जी ले सकते हैं। बैंगन डालते हैं, लौकी, गाजर, सहजन, आलू, टमाटर, सभी को डालकर भून लेते हैं। सभी सब्जी को भून लेते हैं अच्छे से। सब्जी को अच्छे से भून लिया, इसमें सूखे मसाला डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालते हैं, एक चम्मच सांभर मसाला, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, डाल के सभी को मिला लेते हैं। सब्जी अच्छे से भुना गया है, इसमें दाल डालते हैं धो के रखे हैं। जो अब इसमें हम पानी डालते हैं, देखो अच्छे से भुना गया है सब्जी दाल। तो इसमें हम पानी डालते हैं, दो गिलास पानी डालते हैं। कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं, चार सीटी आने देते हैं। यहाँ सांभर बन रहा है तो हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ ले लिए हैं दो चम्मच मूंगफली, दो चम्मच भुना हुआ चना दाल, दो हरी मिर्च, चार पांच कली लहसुन ले लिए हैं, कच्चा नारियल ले लिए हैं, आधा चम्मच नमक। पानी डाल के चटनी बना लेते हैं। चटनी यहाँ पिसा गया है तो बाउल में निकाल लेते हैं। कुकर में चार सीटी लग गया है तो देख लेते हैं, खोल के कुकर से प्रेशर भी निकल गया है। खोल के देख लेते हैं, तो सब्जी अच्छे से मिल गया है। कलछी से मिला लेते हैं इस तरीके से, तो अच्छे से सांभर को मिला लिए हैं। इमली का पानी डालते हैं सांभर में, एक टुकड़ा गुड़ डालते हैं सांभर में, डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। दो मिनट और पका लेते हैं सांभर को। सांभर को पकते हुए तो देखिए बनकर रेडी हो गया सांभर। इसमें तड़का लगा लेते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं, पैन गर्म हो गया, तेल डालते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च ले ली है, कड़ी पत्ता, राई, तो तड़का लगा लेते हैं। मिर्ची डाल, कड़ी पत्ता, राई डालते हैं। तो हम दोनों चीज़ में तड़का लगा लेते हैं, चटनी में भी और सांभर में भी।
उसके बाद चटनी लगा लेते डालते हैं। सांभर चटनी बनकर रेडी हो गया, बहुत ही झटपट सांभर बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ चटनी बन गया है। इडली बैटर हम पहले से बना लिए थे, इडली बैटर का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक चम्मच नमक डालते हैं, डाल के मिला लेते हैं। इडली मेकर में हम गैस पे पानी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। हाँ, इडली स्टैंड में हम तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं, तो हल्का हल्का तेल डालते हैं। मेरा ग्रीस करने वाला ब्रश मेरा बेटा कहीं रख दिया है, तो हम हाथ से कर लेते हैं। हाथों से कर लेते हैं इस तरीके से। एक पैकेट इनो लिए हैं, तो इनो डालते हैं इडली बैटर में। डाल के मिला लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में मिला लेते हैं। इडली बैटर अच्छे से मिल गया है, तो तुरंत डालते हैं इडली स्टैंड में। पूरा भर कर नहीं डालिएगा, थोड़ा कम डालिएगा। इडली बैटर सब में डाल दिए, तो हम लगा लेते हैं इसे। पानी गर्म हो गया है, तो इडली स्टैंड डालते हैं। ढक्कन लगा लेते हैं, 10-12 मिनट स्टीम कर लेते हैं। 12 मिनट हो गया है इडली को स्टीम करते हुए, तो खोल कर देख लेते हैं। तो इडली अच्छे से स्टीम हो गया है, तो निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लेंगे। इडली ठंडा हो गया है, तो इडली निकाल लेते हैं चम्मच के पीछे साइड से, तो इस तरीके से करके। कि कितना बढ़िया फला फिर इडली बनकर रेडी हुआ है, रोई जैसा तुम सॉफ्ट लग रहा है। सभी इडली को हम निकाल लिए हैं, प्लेट में रख लिए हैं, तो देखिए कितना बढ़िया इडली बनकर रेडी हुआ है, एकदम फलाफी। प्लेट में हम सांभर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम चटनी निकाल रहे हैं, चटनी निकाल लेते हैं। इडली सांभर डालते हैं इडली के साथ, इडली सांभर चटनी बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बना है, एक बार ट्राई करके देखिएगा।